लेकिन मरवाड़ा की लड़ाई थी जी, धर्म जीतता है जींद के अंदर, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी और धर्म जीतता है, अधर्म गया तड़ा को। अच्छा हाँ जी, मतलब हार स्वीकार नहीं करी थी, साइन नहीं करे तो उसने दुर्योधन ने भी को नहीं करी थी, फिर लास्ट में करनी पड़ी। हाँ जी, दुर्योधन हो रहा था जी तो। अच्छा जी, ये काम को वोट मिले हैं और बगैर खर्ची बगैर पर्ची ये चीजें देख के जनता ने वोट दिया है और छत्तीस बरादरी का सहयोग मिला है और जो ये बड़े बड़े मुंह वाले बैठे थे इन्होंने अपनी पलौथी मार रखी थी उचाना की जनता ने इनको उखाड़ का फाटने का काम किया है। विकास को विकास को भैया बीजेपी के विकास को वोट विकास कार्य को वोट मिले हैं और अगली बार भी हम तो अब ये 50 है अगली बार 95 देवांगे। वोट भले ही 32 तो जीत मिली पर हरियाणा की सबसे बड़ी जीत आज एक एक वोट की ताकत, सबसे बड़ी ताकत तो यही सी का नाम ताकत है। रात में नींद भी नहीं आंदी जी, उसकी तो नू कहेगा जब फलाना घर में भी जंदा 17 वोट तो वहीं दे जंदे मिलता है, इवनी उफड़ाने पड़ेंगे 32 कटे गए का कारण है जनता काम में नहीं करया। अगर जनता काम करते तो आज इन लोगों को ये हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची बिना पर्ची। एक और लगातार ये चीजें चल रही थी भाई, 60+ सीट कांग्रेस की जो आओगी कि अब की बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। नहीं सर, ये तो पता है क्या आप मनोहर लाल खट्टर 21 मान रहा जी, 26 बिरादरी को मनोहर लाल ने कार्य शुरू कराया, सैनी साहब ने आके समय दिया, सैनी साहब ने 36 बिरादरी को गला लगाने वाला मुख्यमंत्री है जी, 36 बिरादरी को गला लगाता है। एक मिनट, जम्मू कश्मीर में न्यू कहे करते 370 तोड़ दी नहीं तो पूरे खून की नदियां बह देंगी, बह जाएंगी पूरा ही, न्यू कहे करते गड्ढा है गड्ढा, इब काम ने इस गड्ढे की 370 ही तोड़ दी जमा। मतलब बड़ा लड़का था हमारा, इतनी नफरत क्यों हो रही थी उच्चैन वाले, नफरत नहीं हो रही थी, वोट वोट लेने का गठ था, काम तो नहीं कर रहे थे। सैनी साहब आए थे कहे थे इन्हें लाले पवा देना, अरे पवा दिए लाले, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरिया निकाल दिया जी, डॉक्टर देवेंद्र अत्री था जी डॉक्टर सरिया का, एक्सरे करवा लिया, सरिया काट दिया, एक्सरे करवा दिया गए, जो एक्सरे सारा सौदा कर दिया जी, वो बंदर वाला सिर नहीं रोएगा, बंदर वाला सिर कौन, बंदर वाला सिर, अरे मेरा भाई तस्वीर और की बड़ी मेहनत अटी लो सपना की, अब भाई ना मैं तो मूल पढ़ना था पर शोर को इसकी थी एलर्जी घूम रही आएगी मतलब इतना दर्द था डूमर के प्रति, कार्य नहीं किया एक सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है, एक दूसरे की उसकी 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 फूट करी है, अगर काम करता तो आज इसको ये चीज नहीं देखनी पड़ेगी। बांगर ने इसको एक बार नहीं 6 जिता के भेजा, कई बार सिट मान सम्मान पूरा दिया, लेकिन इन लोगों ने बांगर के आदमियों को डांगर समझा है। ये तो आपकी पिछली बार भी अपना 47,000 की देई डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, पर उचाणा मात बस स्टैंड भी नहीं है, दुर्भाग्य उचाणा का, दुर्भाग्य है, काम तो नहीं होता, काम हो नहीं, आज भी तो अब काम की गारंटी है, विकास भी होगा, नौकरी होगी, और एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे बच्चे एक एक किला बेच का दो दो किला बेच का बाहर विदेशों में जा रहे थे, लेकिन ये अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बगैर खर्ची बगैर पर्ची नौकरियाँ मिलेगी, हर आदमी का विकास होगा, हर आदमी को नौकरियाँ मिलेगी। विधायक की साहब का सिंपल है, कदे नहीं, अरे बहुत सुंदर, वो तो गुलाब का फूल जैसा है, गुलाब खिल गया, अच्छे भाव अच्छे नेचर, इनके पिताजी भी सुर्गीय है जो, वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो समाज में रह करते, समाज की एक तीर दो निशान, एक तो डिप्टी सीएम को दिया, एक अपना अपना मुख्यमंत्री मानना था वो दिया, एक स्मार्ट मंत्री को दिया, और ये 36 बिरादरी की जीत है जी,
नरेंद्र गोगड़िया का भाई का धन्यवाद मानना हम हड़के खड़ा रहा वोट लिए वोट बढ़िया रहा जी खजाना मंत्री बनावांगे कुछ सहयोग निर्दलीय का तो है भाई साहब एक रिकॉर्डिंग सुन सका है। हाँ जी बोलो। 12 बजे 10-10 लाख की शर्त लाई जी को मार्केट में नया ठीक है बात मैं तो देश के कंधा रिकॉर्डिंग अच्छा लाइव चालू है कौन सा काम आपका भाई नाम हैप्पी है अच्छा हैप्पी अरीब तो भी हैप्पी हो गया भाई मतलब आपने न्यू पता था भाई जीतेंगे हालांकि टाइम पर राजेंद्र लीड पर चल रहा था ना हौसला था हमारे अलेवा ने कितने की लीड दी है अलेवा ने भाई 5 वोट अलेवा ने 2,500 वोट इसके लिए अंदर तरीके हैं अच्छा 14वां राउंड तक देवेंद्र अत्री 5,000 जब 130 पर बात आई तो धड़कन रुक गई हमारा मेरे भाई जीत तो हम 10,000 वोटों से भी जीत जंदे लेकिन जो वोटा यू था नहीं यू चीरी पे बैठे होनी अगे पोतिया लगनी उबरन दें भाई साहब यहाँ ऊंचा नाल की जीत है 36 जाति की जीत है देवेंद्र रात्रि जिंदाबाद तीन निर्दलीय उम्मीदवार थे वीरेंद्र गोगड़िया ना 32,168 वोट लिए तो मतलब जो निर्दलीय सारे के जोड़गा करीब 50,000 से ज्यादा वोट निर्दलीय लिए तो आप ये भी एक मतलब फैक्टर मानो भाई विकास काले ने तो जड़ पैड़ी थी आम ने इसकी जड़ पैड़ी है 36 बिरादरी ने तो सहयोग दिया थी ममता दिल का शुक्रिया तीनों भाइयों का जो निर्दलीय थे दिल से धन्यवाद और तीनों भाइयों को जो इसमें शामिल कराए बिल्कुल कराए भाई चलो भाई ये देखो माहौल अरे भाई नु कहे थे काउंटिंग न्यू होगी आर के आंसू थे थोड़े लेट स्वीकार करे हैं आर इनकी नेस्टी थी लोग आ गए थे काम नहीं करे चोर थे चोर रवेंगे आगे इनका बीच बिन जामण दें दादा को कई देर में पार्टी जाने जाने वाली सीट टाइम लग गया दूर भी फैल रही थी बिल्कुल डर तो लाया जब मैं चोर में लाया पड़ गया पाड़ी भाई जमा सड़क तोड़ती जा रही थी तो थी और जमा नीचे तो लिया कट गया तो छोटी तो नहीं ऊपर राम मधु राम तो जाइया विदेश और उड़ा लिया को आने जिले भी राहुल की फैक्ट्री बंद है जलेबी वाली भाई उठाने संभाल ली 5 साल उचाड़ा रखा बिल्कुल विकास होगा बहुत बढ़िया जड़ पैड का राम भी दिखाई है राम तो दिखा दिए जड़ को नहीं पकड़ेगा अरिशा बैरी तो पत्ते बन दे पकड़ जाएगा जड़ नहीं वाले जड़ पकड़ ली गेड़ दी राउंड पर गेड़ांगे जिरिये तो बजती राउंड पर गेड़ांगे ओड़े फूक जाएगा अर्जुन ने भाई हकीब शर्त लाई है सवेरे 10 बजे तैयार था 10-10 लाख की अच्छा। सूत्रा जमींदार जो 10-10 किले के अलावा वो भी तैयार थे ठीक है इसको कोई आया नहीं कोई नहीं आया भाई रिकॉर्डिंग सुनाई होगी ठीक है काउंटिंग से सुबह 10 बजे की बात है बात ना रहे लड्डू भी आ गए भाई अपने वर्कर कराए काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं इसी बात नया
रहा है भाई देवेंद्र अत्री बढ़िया काम करेंगे, आगे भी भाई ने विजय बनावाएंगे, आगे खतर भी उम्मीद है चैनल का काम करेंगे भाई नया चैनल है, इसका पाप भी बहुत बढ़िया आदमी था भाई चतुर्भुज, इसी बात नहीं है बढ़िया सिस्टम करेगा भाई नया चेहरा है ऊपर का, इनके के गाजर की थी 50 साल हो गए हल्का नाश करते थे भाई मसा ही नया चेहरा पाया भाई मैं जा टूर है मैंने प्रोग्राम कर भाई अपना दिल काले वाला इसकी जीत है भाई सामने करा कैंड में मारा उठना बोलो भाई तो भाई खुशी के लड्डू जो है बैंड दिए हैं और इनका कहना यह है कि एक बहुत बड़ी जड़ पैड़ी और पुरानी जड़ थी दूर तक फैल रही थी तो भाई सारे के सारे भाई पहुंच रहे हैं इन किस तरीके का स्वागत करके लेकर जाओ बढ़िया डाल ले जाए भाई ना भाई तुम तड़ा क्या डाले हुआ मामा ना तो दो दो डीजे करते अच्छा। और खास कर कांगरिया सी आया बढ़ना का वो घटांगे और बोल ना कोई दा बड़ी बात चलो भाई भाई सारे जरूरी है सारे भाई राम ते सारे भाई हैं सारे भाई अपने हैं जीत का जश्न एंजॉय लेके मना रहे हैं घर का टूल बजा है पांच डीजे खड़े हैं पूरा जोश है पूरा काम है पूरा हलका है जाना सीट सबसे बढ़िया रही भाई हर भाई तेरा सबसे बढ़िया रहा यू सबसे तब ता तोड़े बड़ा तरह सबने भाई ने साथ दिया उचारा जिंदाबाद हर भाई तेरा जिंदाबाद जीत्या 32 साल और निश्चित उपरण देवाए भाई बात है 32 साल का और लिख दिया इसकी खत्म करती है इसका पोते पड़ पोते बुढ़ा के आगे पोतिया खत्म कर दिया सिस्टम इसका वो गोतम वाली बात है बीज मार दिया इसका तो ना ऊपर आगा ना हो कांग्रेस का बीज इंतजाम कर दे कांग्रेस साइड पर के नारे तो दया करती भाई साइड पर कहां है भाई साहब कहां है वो कहां है नु तो हम भी कहते इतने दे नु तो आप हुआ चल लग रहे हैं कहां वो का बीजेपी का नारा उन्हीं को कांग्रेस का नारा था साइड पर कांग्रेस के जवाबदार सुबह भी एग्जिट पोल है वो भाई साहब गलतफहमी थी लोगों को भाई जो निर्दलीय से शाम के पास आया हो गया अब कैसे जीत होती है भाई साहब ये बिना पर्ची बिना खर्ची का वो है नतीजा है और ये भाईचारा सच्ची बरादरी का भाईचारा है भाई साहब देखा एकता ये सच्ची बरादरी के साथ लेके जाती है हर 15 साल और आगे भी साहब आगे होंगे ये आगे उठाने 50 साल की जड़ गाड़ती है 50 साल बीजेपी आने वाले दिन चना में हालांकि ऊपर सेंटर में आपकी गठबंधन में सरकार है और हरियाणा में तीसरी बार आ गई है आड़े पीछे गठबंधन में हां जी हां जी आपकी बार गठबंधन तो क्लियर बात नहीं भाई साहब चलती तो हमारी है चलो भाई कौन है बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री तो हर बार आ रहे हैं नए नए चेहरे जीतते हैं भाई साहब नहीं मौका मिलना विकास की बात है ये विकास की बात बीजेपी के मंत्री तो आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं के कारण भाई साहब मोहब्बत की दुकान ने लूट ली मोहब्बत की दुकान ने को नहीं रही चलो ये फैक्ट्री बंद हो गई लगाओगा अभी और चलेगी मोहब्बत की दुकान और चले ये फैक्ट्री बंद विकास की चालू होगी है विकास की चालू होगी बिल्कुल और बिना खर्चे बिना विकास की ला रहे हैं भाई साहब आपने एक और बात कहना चाहता हूं क्लियत मैं जेपी का वर्कर था भाई मेरा विकास जीत गया लेकिन यहाँ उचाना मैं बीजेपी के साथ था भाई देवेंद्र अत्री के साथ था जड़ा लाग गया जीत काट दिया भाई क्लियत मैं भाई विकास सारण जीता पूरा भाई देवेंद्र अत्री जीता भाई लाइब्रेरी जिंदा रहेगी बच्चों को पढ़ाई के लिए वो खर्ची वाला सिस्टम यही की यही दबके रहेगा अगर और कोई दूसरी सरकार आ जाती वहाँ खर्ची पर्ची चले आप एक दिन कहो किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर था ये मतलब चल रहा था माहौल भाई किसान आंदोलन के चलते बीजेपी का विरोध है उसके बावजूद सरकार बन गई किसान आंदोलन का मान के मैं आपकी बात पर बड़ा आंदोलन था फिर सरकार ने बातें मैंने उन पर अमल कराया उसके कारण लोगों ने भी सोचा भाई सरकार ने अमल कर लिया हमारी बातों पर इसलिए हमें लोग बीजेपी के साथ आ गए 47,000 की जीत वाला तो पांचवा बराक दिया था हमने हाँ वो तो सही गुंडी बन गई करना रोशगल गुंडी बन गई गुंडी बन गई गुंडी बन गई ठीक है तो भाई पंद्री का तो 32 वोट नू देखे हैं 32,000 हो गए सुपना में नू देखा अच्छा जी ने तो वह 32,000 वोट कड़े थे जीत है तो नहीं ज्यादा जश्न मना रहे हैं जश्न मना रहे हैं शायद घने वोट होंगे तो फलाण भी कोने 32 तो फलाए जाऊंगे इस तरह कड़े जाऊंगे ये रह जाए कमी पर कौन से रह गए अच्छा नवरात्रे वाले भर्ती हो गए चलो भाई
फिलहाल देवेंद्र अत्री का बाहर आने का इंतजार उसके सारे समर्थक कर रहे हैं और एक खुशी की लहर और 32 वोटों की भाई इस हरियाणा विधानसभा की वोटों के हिसाब से सबसे छोटी जीत है, लेकिन अगर देखा जाओ तो उचाणा हल्के की अब बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से उचाणा हल्के के लोग एक के बात करे कि भाई हमने तो जड़ पड़नी थी और वह पैड दी, हर आदमी का मुंह तो एक के बात करे फिलहाल ये तस्वीर देख रहे हो भाई आप, जींद की जहाँ गिनती थी गवर्नमेंट के पीजी कॉलेज और 32 वोटों से जीत डिक्लेयर हुई भाई देवेंद्र अत्री जो 14 राउंड में लगातार पीछे चल रहे थे, 14वां राउंड में 130 वोटों के पीछे थे, 15वां राउंड में 221 वोटों तक आगे थे, लेकिन उचाणा पूरा उचाणा की दिल की धड़कन पूरी तेज हो रही थी, लेकिन आखिरी राउंड में 182 वोट और कम हो गए, 39 वोटों तक जीत डिक्लेयर करी। उसके बाद जो भाई कह रहे भाई अंदर गिनती हुई है, दो चार बार और गिनती करवाई गई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 32 वोटों तक जीत डिक्लेयर करी है, वोटों के हिसाब से सबसे छोटी। और जो समर्थका का कहना है कि हरियाणा की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सबसे पुराना मंत्री हरियाणा जिसके 45-50 साल लगातार उचाणा मरे इस्पात मंत्री वीरेंद्र डूमर का, और जो बड़े दावे कर रहे थे कि भाई जीतेंगे, लेकिन इनकी बार एक बिल्कुल नया चेहरा वो अब की बार उचाणा तो बनया है। तो जरूर आपने ये वीडियो शेयर करनी है और आपने अपने सोच विचार भी जरूर देने हैं। हालांकि ये वक्त बताओगा भाई उचाणा की तस्वीर और तकदीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्योंकि विकास का मामला आज उचाणा बहुत पीछे है। उचाणा में फिलहाल बस स्टैंड भी नहीं है, डिप्टी सीएम भी रहे हैं। नाश कर क्या देते जेब कड़े आ जंदे कड़े जमाने अटड़ जाड़े जमदे उचाणा का भाई विकास करागा इप सारे अत्री बनके इलेक्शन लड़या है दिन रात एक करके देवेंद्र अत्री भाई सारे एक बन रहे थे और जब जड़ पड़ी है यार अरे विकास देख लियो कितने हो। अरे भाई छोटी बात कहूं भाई वीरेंद्र गोगड़िया का भी सहयोग है इसकी जड़ पाड़न में। मैं सच्ची बात कहना चाहूं नया जड़ नहीं पाटे थी से ले ही आग गई थी जड़ इसी कट गया दोबारा निजाम में की जमा जड़ तक पैड थी जैसी भी गला पैड थी न्यू मर मर का पंचे या न्यू पर की जिंदगी में कट गया जड़ पैड कर गिरडा फेर दिया ऊपर को हां के ना जड़ पैड कर गिरडा फेर दिया ऊपर को ही नहीं आप मटी एक शार कर दी मटी एक शार कर दी और नया पेड़ जमा दिया एक फल देगा फूल देगा भाई देवेंद्र अत्री जिंदाबाद रहेगा। चलो भाई जींद की तस्वीर आप देख रहे हो अभी भी मतलब देवेंद्र अत्री बाहर है नहीं आए हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं लड्डू इन बांट दिए और एक विकास का वादा भी इन समर्थकों के मुंह तो ये है कि भाई हमने उम्मीद है कि देवेंद्र अत्री जो उचाणा की तस्वीर बदलेंगे क्योंकि हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार आई है और देवेंद्र अत्री उचाणा का MLA बन गए हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं भाई शायद इनको मंत्रालय भी मिलेगा कोई ना कोई जरूर और उससे जो है उचाणा का विकास जरूर होगा जो पिछले काफ़ी साल तक है उचाणा सबसे पिछड़ा एरिया था।